जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। ये कथन हमारे जो है पौराणिक काल से चलते आए हैं और संस्कृत में बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा गया है कि जो जननी है यानी कि जन्म देने वाली माता है और जन्मभूमि है, ये दोनों जो है स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो इसी बीच चर्चा करते हैं और बात करते हैं अपने गांव अपने क्षेत्र की। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के सामने रखी थी, उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये वीडियो की एक हवेली है जो बहुत पुरानी हवेली है और ये पुरानी हवेली अब भुतिया हवेली बन चुकी है। जो हवेली बनी थी दाल से, यानी कि जिस दाल से बनती है पकौड़ियाँ, उस पकौड़ियों की दाल से वो हवेली बन रही है और उसके इर्द गिर्द मैंने आपको बंजर पड़ी वो ज़मीन जहाँ पर घास और बहुत सारे पौधे उगे हुए थे ये सब दिखाया था। जिस वीडियो को मैं अपने सामने आपको चला के सामने दिखाई रहा हूँ जो ऊपर से बिल्कुल फ्लैश हो रही है ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो ये जो ज़मीन है ये ज़मीन काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन है और ये हवेली है, ये हवेली भी काफ़ी पुश्तैनी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंदर ही घुस जाइए और इस वीडियो को ही पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लीजिए कि वास्तव में ये वीडियो है क्या और ये ज़मीन कहाँ पर है और ये हवेली किस तरह से। तो इस हवेली की जो बातें की जा रही है आजकल मेरे गांव में, कुछ बातें ये चर्चा चल रही है कि इस पूरी ज़मीन को जो है कोई ले रहे हैं, कोई बाहर की पार्टी है जो पार्टी इस ज़मीन को ले रही है और यहाँ पर ये फैक्ट्री लगाएंगे। कुछ लोगों का मत है कि ग्लास फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ का है कि ये कुछ और फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, लेकिन कहा यही गया है कि यहाँ पर जो है ये फैक्ट्री लगाने वाले हैं। और फैक्ट्री लगाने के लिए जो पहली शर्त है वो पहली शर्त ये रखी गई है कि इस ज़मीन को वो पूरी तरह से लेने वाले हैं, वहाँ पर वो कॉलोनियाँ भी बनाएंगे और बाय ईयर जो है फैक्ट्री का मालिक यानी कंपनी का मालिक वहाँ आएंगे और जो भी उनकी गतिविधियाँ होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। काफ़ी सोचने और समझने के बाद मैंने इस पे जो एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद जो मुझे समझ आया तो समझ आने के बाद ये समझ आया है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना बहुत ही बढ़िया बात है, डेवलपमेंट के पक्ष में हम भी हैं और विकास होना चाहिए और फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए। फैक्ट्रियाँ भी बहुत बढ़िया और बड़े स्तर पर पहाड़ के अंदर लगनी चाहिए ताकि पहाड़ के लोगों को रोज़गार मिले। और लोगों का भी यही कहना है कि इस क्षेत्र में अगर फैक्ट्री लगती है तो यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे कुछ लोग हैं जो बाहर हैं उन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि घर के अंदर ही उनको रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन जो शर्त है, पहली शर्त यह है कि इस फैक्ट्री को लगाने के एवज में यहाँ पर जो कंपनी अपना काम करने वाली है उसके एवज में यहाँ पर उनको ये ज़मीन पूरी तरह से बेचनी पड़ेगी जो उस ज़मीन के काश्तकार हैं या फिर ऑनर हैं। तो जब वो ज़मीन जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है उस पुश्तैनी ज़मीन को जब वो बेच देंगे यानी कि गांव के अंदर का एक बड़ा भूभाग उस कंपनी को चला जाए, अब कंपनी ओनर जब उसके नाम वो सब कुछ हो जाएगा, वो ज़मीन उसके नाम हो जाएगी, तो कंपनी ओनर वहाँ पर अपने मन मुताबिक काम करेगा और कुछ भी कर सकता है करने के लिए, वो फैक्ट्री लगाएं या उसके परिणाम कुछ भी आए, लेकिन जो आपकी पुश्तैनी ज़मीन है उस पुश्तैनी ज़मीन से तो आपने अपना हक खो दिया है ना। इसका विकल्प मैं आपको बता सकता हूँ, इसका नॉर्मली विकल्प है कि अगर वो लोग यहाँ पर फैक्ट्री लगा रहे हैं या फिर कंपनी खोल रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उस ज़मीन को लीज पे लें, रेंट पे उनको दे दें, बाकी एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। और इसके अलावा जो उनकी प्रोसेस है उस प्रोसेस बहुत सारी, क्योंकि किसी भी कंपनी को लगाने के लिए किसी भी फैक्ट्री को खोलने के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है और उस डॉक्यूमेंटेशन को ग्राम प्रधान से लेकर जिला अधिकारी और यहाँ तक कि उस स्टेट की गवर्नमेंट भी सर्टिफाइड करती है, तब जाके ही वहाँ पर जो है फैक्ट्रियाँ लगती हैं। लेकिन जब पूरी तरह से उस ज़मीन को बेच दिया जाएगा तो वो फैक्ट्री कैसे लगेगी, उस ज़मीन हमारी तो रहेगी नहीं। जिन लोगों की वो ज़मीन है, पुश्तैनी जो ज़मीन है, उस पुश्तैनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा जिसके दुष्परिणाम भविष्य में देखने के लिए मिलेंगे। उसके दुष्परिणाम क्या होंगे यहाँ पर, कि मैंने जो थंबनेल में डाला है कि माफियों की नज़र, बिल्कुल मैं इस चीज़ को भूमाफिया ही कहूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति इतना खर्चा करके गढ़वाल के अंदर पहाड़ के अंदर बिल्कुल रियर एरिया में जाके अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, क्या उसको शहरों में वो जगह नहीं मिल रही। अब आप ये कह सकते हैं कि शहरों में अंधाधुंध क्या बोलते डेवलपमेंट हो चुका है, इस कारण वो गांव की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ये बात भी सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गांव में वो रेट नहीं मिलेंगे। भले हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा लुभावना रेट उन्होंने दे दिया होगा, लेकिन शहर के हिसाब से वो बिल्कुल बहुत कम होगा और आने वाली जो पुश्तें आपकी होंगी वो पुश्तें आपको गाली देंगी।
क्योंकि गांव के अंदर का जो माहौल है, पहले ही पहाड़ का जो क्षेत्र है वो दंश झेल रहा है पलायन का, और जब पलायन का दंश वो झेल रहा है तो इस तरह से भूमाफियों की नज़र पूरी तरह से हमारी पहाड़ पे पड़ चुकी है, और पहाड़ पे जब इन भूमाफियों की नज़र पड़ चुकी है तो ये पहाड़ को अपना रहे हैं, पहाड़ को खोद खोद कर वहाँ से चूहे बाहर निकाल रहे हैं। चूहे कौन है जो वहाँ रह रहे हैं? और जब वो ज़मीन उनके हवाले चली जाएगी तो उस ग्राम सभा के अंदर आप लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे उनकी घुसपैठ बढ़ेगी, और जब एक बार उन लोगों की घुसपैठ बढ़नी शुरू हो गई तो फिर वहाँ पर हमारा या किसी का भी, जो भी मेरे गांव के लोग हैं, हमारा दबदबा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि साहिंसा तो वही लोग होंगे जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को लगाएगा, वो वहाँ का साइंसा नहीं होगा तो क्या होगा। और धीरे धीरे वो उस गांव को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को जो है अपने संक्रमण में पैदा कर देंगे, और उस संक्रमण को पैदा करने के बाद आने वाली पीढ़ियाँ उस चीज़ को झेलेंगी और वो आपको गालियाँ। यही बात को अगर विचार किया जाए, गौर किया जाए, कि कहा जाता था, आज भी बहुत सारे लोग मेरे सामने कहते हैं और पहले भी कहते हैं कि उस हमारे ही एरिया के बीच में एक गाँव पड़ता है, छोटा सा गाँव पड़ता है पौहल। कहा जाता है कि हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि अगर नई टिहरी यहाँ पे बस जाता तो आज हमारी बल्ले बल्ले होती। कहते हैं कि नई टिहरी यहाँ पे हो तो हमें जो है ऐसी सुख सुविधाएं होती। मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे गांव के लोगों के लिए कुछ सुख सुविधाएं होती, या फिर आसपास के गांव के लोगों के लिए कुछ सुख सुविधाएं होती। सिर्फ सुविधाएं ये होती है कि आप जो आज नई टिहरी की 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, वो 35 से 40 किलोमीटर की दूरी आप तय नहीं करते, बल्कि 5 से 7 मिनट में आप जो है ऑफिसों में पहुँच जाते, क्योंकि नई टिहरी वहाँ पर होता। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट और आपकी सुख सुविधाओं की बात करते हैं, तो आपकी जो जमीन थी उस जमीन के उस समय वो एवज में वो पैसे नहीं मिलते जितना आज की डेट में आप उस जमीन से कमा रहे हो, खा रहे हो। कम से कम पौखाल के अंदर वो सुकून तो है, जिस सुकून में आप जी रहे हो आपका सुख चैन छिन जाता अगर वहां पर जो है नैटरी बस जाता। पौखाल के नीचे हमारे जो पुरातन संस्कृति से जुड़ी हुई हमारी विरासत, हमारी धरोहर भद्रेश्वर महादेव है। भद्रेश्वर महादेव की जो गूंज गूंजती है, तो उस भद्रेश्वर महादेव की गूंज के साथ साथ अल्लाहु अकबर के नारे भी जरूर गूंजते अगर पौखाल के अंदर नई टिहरी आ जाता। वहां पर सिर्फ आप खुद ही नहीं रहते, बल्कि वहां पर जो है ना बाहर से आने वाले हजारों लोग होते जिनको आप पहचान भी नहीं पाते कि कौन अपना है कौन पराया है। मैं तो उन लोगों को बहुत ही बुद्धिजीवी समझूंगा जिन्होंने सोच विचार किया और बहुत सही निर्णय लिया, और सही वक्त पर सही निर्णय लिया। भले आज आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन उनका निर्णय आज जितनी भी पीढ़ी आ चुकी होंगी, दूसरी हो या तीसरी पीढ़ी हो या फिर चौथी पीढ़ी में ये चीज़ चल रही हो, लेकिन उनका जो निर्णय था, आपका जो दादाजी थे परदादाजी थे, उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया, और उसी सही निर्णय के फलस्वरूप आज आप सुख और चैन की नींद पौखाल के अंदर जी पा रहे हैं। तो यही कहानी जो है सेम अपने गांव कड़ियाल गांव के अंदर दोहराने वाली है। इन भूमाफियों की नज़र हमारे गांव के अंदर है, इस बिल्डिंग पे इनकी नज़र हो चुकी है, इस पूरे एरिया पे इनकी नज़र हो गई है, और यही एरिया मेरे गांव की शुरुआत करता है। और जब मेरे गांव की शुरुआत में ही इन लोगों का दबदबा होगा तो मेरे गाँव में आना जाना ही लोगों का मुश्किल हो जाएगा। आप रोज़गार की बात करते हैं, आप इन लोगों की तानाशाही के नीचे रोज़गार करेंगे, आप अपने ही गाँव के अंदर बंध जाएंगे और आप एक बंधन में जीवन यापन करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी मानसिकता गलत लग रही हो सकता है कुछ लोगों को मेरे विचार नेगेटिव लग रहे हों, लेकिन जो मैं आज कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, सोच विचार के कह रहा हूँ। इस चीज़ को आप आज अगर गौर नहीं किया तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी बिल्कुल आपके हथकड़ी लग चुकी होगी, और बहुत मुश्किल होगा। ये गाँव गाँव नहीं रहेगा बल्कि तानाशाही का क्षेत्र बन जाएगा। मैंने इस तरह के कई उदाहरण बहुत सारी जगह पर देखे। अगर प्रोजेक्ट लगाना है और उस प्रोजेक्ट को सफल भी बनाना है, मैं खुद सामने खड़ा हूँ, मैं खुद साथ खड़ा हूँ, तो वहाँ पर अपनी जो ज़मीन है उस ज़मीन को मत बेचिए, उस ज़मीन को लीज पे दीजिए। मेरा मुझे लगता है कि शायद सभी लोग मेरे से बड़े होंगे और बड़े बुद्धिजीवी होंगे जिनकी वो ज़मीनें वहाँ पर हैं, तो उन सभी से मेरा कर्मबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाली संतान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कभी तो लोग पूछेंगे कि कौन था हमारा घर, कहाँ पे थी हमारी ये हवेली और कौन थी हमारी ज़मीन, तो उनके लिए इस ज़मीन को दांव पे मत लगाइए। चंद पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाइए, अपने ग्राम सभा को दांव पे मत लगाइएगा। आप बड़े बुद्धिजीवी हैं, एक बार मेरे विचारों को जरूर सोचिएगा, जरूर मनन कीजिएगा इन विचारों पर। अगर आपको लगता है कि हाँ वास्तव में ये बात सही है, तो उस ज़मीन को आप लीज़ पे दीजिएगा, रेंट पे दीजिएगा, उसके एग्रीमेंट होते, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ होती है। और अगर आप नहीं चाहते हो, सिर्फ बेचना ही चाहते हो, तो आपकी स्वेच्छा है, लेकिन हमें तो अपना गाँव बचाना ही है।
आपका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन एक बार आप अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए। और कहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के बारे में किसने सोचा, अगर आप सिर्फ आज का खाना आज ही खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप बुद्धिजीवी नहीं, आप हमारे गाँव के जो है ना सबसे बड़े गुनहगार आप ही साबित होंगे। तो मेरा करबद्ध निवेदन है अपने बड़े भाइयों से, अपने उन लोगों से, अपने सभी चाचा ताऊ जितने भी लोग उस ज़मीन के पुश्तैनी हकदार हैं उन सबसे कि प्लीज़ उस ज़मीन को मत बेचिएगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ख़राब होने वाला है। इन भू माफियों ने पूरे उत्तराखंड को खा दिया है। यहाँ पर दूसरा ही जो है, यहाँ पे जो पलायन की बात की जा रही है वो पलायन नहीं बल्कि यहाँ पे बसायन किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ी थीम के साथ ये काम किया जा रहा है। कभी कोई बुद्धिजीवी अगर आप लोग हों, आप लोगों के पास समय हो तो मेरे साथ टेबल टॉक कीजिएगा, सामने बैठिएगा, सामने बैठ के मैं इन लोगों का पूरा रूट मैप आपको बता दूंगा कि ये लोग चाहते क्या है। तो प्लीज़ करबद्ध निवेदन है कि उस ज़मीन को मत बेचिएगा। अगर आपको प्रोजेक्ट लगाने हैं तो उसको रेंट पे दीजिएगा, लीज़ पे दीजिएगा।